हे वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 16,000 के प्राइस रेंज पर आने वाले कुछ बेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें आपको मिनिमम 7 5G बैंड्स का सपोर्ट तो मिलेगा ही। सो हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 16,000। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको इन 5 स्मार्टफोन के डिटेल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ विद प्रोज एंड कॉन्स। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। एज ऑलवेज हमने इन 5 स्मार्टफोन को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर रैंकिंग किया है। तो हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 5 से। और नंबर 5 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन का डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक है। जी हाँ, इस फोन का नाम है Realme 9i 5G। देखा जाए तो इस लिस्ट का सबसे सस्ता फोन होने वाला है ये। वैसे क्या कुछ फीचर्स मिलता है हमें, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन का जो डिजाइन है बहुत ही अच्छा है, यूनिक डिजाइन के साथ आता है। ये फोन क्लासिक डिजाइन को फॉलो करता है। हालांकि कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, मींस प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.1 mm की थिकनेस है एंड 187 ग्राम वेट है। तो थिकनेस और वेट ठीक ठाक है। ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार है। बात करें कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर लगा पाएंगे। इसके साथ ही ये फोन सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर के साथ आता है और स्पीकर की क्वालिटी ठीक ठाक है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि काफी फास्ट है। अच्छी बात यह है कि यह फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है बेस्ड ऑन Realme UI 3.0। सो डे टू डे यूजेस में UI काफी स्मूथ फील होता है, लेकिन ढेरों सारे ब्लॉटवेयर देखने को मिलेंगे आपको। वैसे Realme 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट देने वाला है इस फोन को, और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। खैर, इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें, तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो हाँ, चार्जर सिर्फ आपको 18W का ही मिलेगा। बैटरी को फुल चार्ज होने में 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप इजिली दे देगा ये फोन आपको। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट है, तो इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 810 वाला 5G चिपसेट। अब ये जो चिपसेट है काफी अच्छा चिपसेट है, 15,000 के नीचे बहुत सारे स्मार्टफोन में आपको यही चिपसेट मिलेगा। इस चिपसेट को आप Snapdragon 695 चिपसेट इतना मान सकते हैं। बाकी 6 nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है, बैटरी कंजप्शन कम होगी। 3,40,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 का फास्ट स्टोरेज टाइप दिया गया है, LPDDR4X वाला रैम है और 5GB तक वर्चुअली रैम भी बढ़ा पाएंगे। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा रहेगा ये फोन। डे टू डे टास्क में कोई लैग और जिटरिंग इशू नहीं मिलता है, आराम से आप मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग कर पाएंगे। अप टू 40 FPS तक गेम प्ले करवा देगा ये फोन आपको BGMI में। अगर हम कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, तो ये फोन 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही ड्यूल 4G वोल्टेज के साथ आता है, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। बाकी ड्यूल बैंड वाईफाई है, वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है और ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट मिलता है। और हाँ, NFC का सपोर्ट नहीं है। सो ओवरऑल कनेक्टिविटी के मामले में भी अच्छा रहेगा ये फोन। खैर, डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो इस फोन में आपको मिलता है 6.6 इंचेस की फ्लैश डी प्लस IPS डिस्प्ले, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 180Hz की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। वाइड 1L1 का सपोर्ट है, HDR कंटेंट प्ले नहीं कर सकते और 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक ब्राइटनेस लेवल है। और बाकी डिस्प्ले के ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। सो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, बस अगर पंचोल कटआउट होता तो ज्यादा बेहतर रहता। लास्टली कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 MP का है, जो कि सैमसंग का JN1 सेंसर है। सेकंड कैमरा 2 MP का है, जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। थर्ड कैमरा भी 2 MP का है, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है। वैसे रियर कैमरे से आप फुल HD में 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में सिर्फ 8 MP का कैमरा दिया गया है, जो कि यू नॉच कैमरा है, और फ्रंट कैमरे से भी 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इस फोन का जो प्राइमरी कैमरा है उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, डे लाइट में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है। वही फ्रंट कैमरे की परफॉर्मेंस भी डे लाइट में ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है। खैर, फाइनली प्राइसिंग की बात करें, तो 664 के लिए फिलहाल 15,000 रुपए है और 6128 के लिए 17,000 रुपए है। बाकी ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस फोन के अंदर किसी भी तरह के एड्स और ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेगा। खैर, इस फोन का नाम है Moto G62 5G। 16,000 के नीचे ये फोन इजीली मिल जाएगा और इस प्राइस पॉइंट पर ये भी एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। क्या कुछ फीचर्स दिया गया है, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है,
मीन्स प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। बाकी वही मोटो का टिपिकल डिजाइन मिलता है। 8.5 mm की थिकनेस है एंड 184 ग्राम वेट है, तो थिकनेस और वेट ठीक ठाक है। साथ में IP52 की रेटिंग भी मिल जाती है, जिससे हल्का फुल्का पानी गिर जाता है तो कोई इशू नहीं होगा। ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। चलिए इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स जानते हैं। तो गाइज ये फोन ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट और स्पीकर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है ये फोन विद नियर स्टॉक एंड्रॉइड। तो इस फोन के अंदर आपको किसी भी तरह के एड्स और ब्लॉटवेयर नहीं मिलता है। UI बहुत ही ज्यादा क्लीन और स्मूथ है और मोटोरोला ने प्रॉमिस किया है 1 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा इस फोन को और 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो सिक्योरिटी पैच अपडेट तो ठीक है, लेकिन 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट देना चाहिए था मोटो को। सो चलिए अब जानते हैं इस फोन के कुछ मेन फीचर्स। तो अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बड़ी बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 20 वॉट का चार्जर मिलता है आपको। तो चार्जिंग स्पीड कम है, बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन बैटरी बैकअप बहुत ही जबरदस्त मिलता है आपको। आराम से 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप ये फोन आपको इजीली दे देगा। अगर हम बात करें डिस्प्ले के बारे में तो ये फोन 6.5 inches की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ आता है। हाँ, तो AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता है, लेकिन 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है और 240Hz की टच सैंपलिंग रेट भी है। 600 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक ब्राइटनेस लेवल है। वाइड 1.1 का सपोर्ट है, बाकी HDR कंटेंट प्ले नहीं कर पाएंगे और डिस्प्ले के ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले भी हमें अच्छा मिल जाता है। ऑब्वियसली AMOLED डिस्प्ले होता तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि ये एक 5G फोन है तो इसलिए इस फोन में IPS डिस्प्ले यूज हुआ है। वैसे दोस्तों डे टू डे यूजर्स में बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होता है इस फोन का डिस्प्ले। चलिए कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन में आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा। प्राइमरी सेंसर 50 MP का है, जो कि सैमसंग का JN1 सेंसर है। सेकंड कैमरा 8 MP का है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। और थर्ड कैमरा 2 MP का है, जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से आप 1080p में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो हाँ, 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस फोन में जो चिपसेट लगा हुआ है वो चिपसेट 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता ही नहीं है। बाकी फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरे से भी 1080p में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस फोन का जो कैमरा परफॉर्मेंस है एवरेज है। डे लाइट में रियर कैमरे की परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल जाती है हमें, लेकिन सेल्फी कैमरे में अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। खैर चलिए परफॉर्मेंस के बारे में भी जान लेते हैं। सो गाइस, इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 695 वाला 5G चिपसेट, जो कि एक बैलेंस्ड चिपसेट है। कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, 6 nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है, बैटरी कंजप्शन कम होती है। 4 lakh के आसपास अंततः स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छा स्कोर है। LPDDR4X वाला रैम है, UMCP का स्टोरेज टाइप दिया गया है, जिसे आप UFS 2.1 स्टोरेज से ज्यादा मान सकते हैं। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छा मिलता है। डे टू डे यूजर्स में किसी भी तरह का लैग और जिटरिंग इशू नहीं मिलता है। आराम से आप मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं इस फोन से। वहीं कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 12 5G बैंड्स का सपोर्ट और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। 4G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट है और 4x4 मीमो का भी सपोर्ट दिया गया है, जिससे नेटवर्क और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है हमें। वाईफाई कॉलिंग भी अवेलेबल है एंड ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल कनेक्टिविटी से इशू नहीं होगा आपको। फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 6128 के लिए 16,000 rupees है और 8128 के लिए 18,000 rupees है। दोनों ही वेरिएंट के ऊपर 1,000 से 500 rupees का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। नंबर 3 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, कहा जाए तो ये एक कंप्लीट पैकेज है, वो भी सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। कभी कभी तो ये फोन आपको 1500 से 16,000 के बीच में इजीली मिल जाएगा फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर, तो कभी कभी ये फोन आपको 18 से 19,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है अमेजोन पर। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस फोन को आप 16,000 के ऊपर मत बाय करना जब भी आप बाय करें। वैसे 16,000 के आसपास अभी भी ये फोन आपको मिल ही रहा है। खैर, क्या कुछ फीचर्स दिया गया है इस फोन के अंदर भी, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो अगेन ये फोन भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही आता है। प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 9.4 mm की थिकनेस है, मतलब ये फोन काफी थिक है, मोटा है एंड 215 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा आप कह सकते हो। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, बाकी थोड़ा सा बल्कि फोन है ये। बात करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर लगा पाएंगे। सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है, तो स्टीरियो स्पीकर नहीं दिया गया है, लेकिन स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही सही है और मोस्ट ऑफ द सैमसंग के फोन में स्पीकर से आपको ज्यादा इशू नहीं होगा। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है, जो कि काफी फास्ट है।
आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेस्ड ऑन वन यूआई 4.1। सॉफ्टवेयर वाइज काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। बाकी सैमसंग ने दो मेजर एंड्रॉइड अपडेट देने का वादा किया है और 4 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो ये फोन ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के साथ आता है बिना अनाउंसिंग वाला। नॉक सिक्योरिटी मिल जाएगी, सैमसंग पे का फीचर दिया गया है, सिक्योर फोल्डर मिल जाएगा और भी कई सारे सैमसंग के फीचर मिल जाते हैं आपको। बात करते हैं कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन में आपको मिलता है 6000 मिली एम्पीयर की मैसिव बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 25 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में अराउंड 2 आवर्स लग जाते हैं और 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा इस फोन से आपको। और हाँ, ध्यान रहे, आपको अडेप्टर नहीं मिलेगा। अगर आप सैमसंग वेबसाइट से परचेज करते हैं तो 300 रुपए के आसपास मिल जाएगा। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। इस फोन में आपको मिलता है सैमसंग का ही एक्सिनोस 1280 का 5G चिपसेट जो कि 5 नैनोमीटर पर बना हुआ है। मीन्स ये फोन पावर एफिशिएंट है, बैटरी कंजप्शन बहुत ही कम होगी। इस चिपसेट को आप स्नैपड्रैगन 695 इतना मान सकते हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही पावरफुल है। अराउंड 4 लाख के आसपास अंततः स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि चिपसेट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा स्कोर है। LPDDR4X वाला रैम है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया गया है एंड वर्चुअली 8GB तक रैम बढ़ा पाएंगे और वहाँ वेपर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है जिससे थोड़ी बहुत हीटिंग कंट्रोल भी हो जाती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। डे टू डे यूजेस में कोई लैग और स्टटरिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। आराम से आप मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग ने इस चिपसेट को गेमिंग के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर रखा है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये फोन 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है जिससे ये एक ट्रूली 5G फोन बन जाता है। 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है, NFC का भी सपोर्ट दिया गया है, वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, ड्यूल बैंड वाईफाई भी दिया गया है और ब्लूटूथ 5.2 वर्जन के साथ आता है। सो कनेक्टिविटी के मामले में सभी चीजें अवेलेबल है। कैमरा के बारे में बात करें तो ये फोन क्वाड रियर कैमरे के साथ आता है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि सैमसंग का ही JN1 सेंसर है। बाकी सेकंड कैमरा 5 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है और इसके साथ ही 2 और कैमरे मिल जाते हैं वही 22 मेगापिक्सल के जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। रियर कैमरे से आप 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और 1080p में भी 30fps तक। फ्रंट में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि यूनोच के साथ आता है और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस फोन का जो मेन कैमरा का परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है। बाकी अल्ट्रा वाइड की परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का है और फ्रंट कैमरे की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल डिसेंट टाइप का है। एटलीस्ट फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देना चाहिए था सैमसंग को। खैर चलिए डिस्प्ले के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो ये फोन 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले के साथ आता है। TFT का मतलब IPS डिस्प्ले ही है। 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है, 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है एंड अप टू 800 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस लेवल है। वाइड वन L1 सर्टिफाइड है, HDR कंटेंट प्ले नहीं कर सकते आप और डिस्प्ले के ऊपर COG5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। ओवरऑल डिस्प्ले काफी ब्राइट और क्रिस्प है, कंटेंट वॉचिंग के लिए काफी सही रहेगा ये फोन क्योंकि बड़ी बैटरी मिल जाती है, स्पीकर भी काफी लाउड है। फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो फिलहाल 6128 के लिए 16,000 रुपए देने होंगे आपको, वहीं 8128 के लिए 17,500 रुपए और हाँ 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट भी अवेलेबल है, वो आप जरूर चेकआउट कर लेना परचेज करते वक्त। ये रहे इस फोन के भी प्रोज एंड कॉन्स। बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में और गाइस नंबर 2 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये एक ट्रूली 5G फोन है और साथ में ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी मिलता है आपको। जी हाँ, इस फोन का नाम है इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G। 16,000 के आसपास ये फोन भी आपको मिल जाएगा और इस प्राइस पॉइंट पर इस फोन में आपको मिलता है 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। हाँ, बाकी के फीचर्स भी काफी अच्छे दिए गए हैं तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन का भी डिजाइन बहुत ही अच्छा है, यूनिक डिजाइन के साथ आता है। हालांकि कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर ही बना हुआ ये फोन। बाय द वे ये फोन काफी स्लिम भी है, सिर्फ 8mm की थिकनेस है एंड 188 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा, नो डाउट। चलिए इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन में ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर लगा पाएंगे। और अच्छी बात ये भी है कि इस फोन में आपको मिलता है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर जो कि DTS ट्यूनिंग के साथ आता है और स्पीकर की क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा तो अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, सिंगल स्पीकर से तो बेटर ही है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है जो कि काफी फास्ट है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन भी एंड्रॉइड 12 के साथ आता है बेस्ड ऑन XOX 10.6। बाकी इस फोन में काफी सारे ब्लॉटवेयर मिल जाएंगे आपको जिसे आप इजीली अनइंस्टॉल कर पाएंगे और इन्फिनिक्स के फोन में हमें बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इस फोन में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला जो कि सैमसंग के फोन में मिलता है। जनरली इन्फिनिक्स 20,000 के नीचे वाले फोन में सिर्फ वन ही मेजर एंड्रॉइड अपडेट देता है तो शायद इस फोन को भी सिर्फ एक ही मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। खैर कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात
कर लेते हैं तो इस फोन में भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 1.5 घंटे लग जाते हैं और एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप इस फोन से भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है MediaTek Dimensity E10 का 5G चिपसेट और ये भी एक वेल ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट है, स्टेबल परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। 6 nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है। 360,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि एक अच्छा स्कोर है चिपसेट के अकॉर्डिंग। UFS 2.2 का फास्ट स्टोरेज टाइप दिया गया है, LPDDR4X वाला रैम मिल जाएगा आपको, 3GB तक वर्चुअली रैम भी बढ़ा पाएंगे और परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो इसलिए इस फोन में भी लिक्विड कूलिंग का सिस्टम दिया गया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको ज्यादा इशू नहीं होने वाली है, डे टू डे यूजर्स में कोई लैग और जिटरिंग इशू देखने को नहीं मिलती है। बाकी अप टू 40 FPS तक गेम प्ले करवा देगा ये फोन भी आपको। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये फोन 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है जिससे ये एक ट्रूली 5G फोन बन जाता है। ड्यूल 4G वोल्टेज का सपोर्ट है, 4G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट है, ड्यूल बैंड वाईफाई के साथ आता है, वाईफाई कॉलिंग भी अवेलेबल है, ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट है, बाकी NFC का सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो कनेक्टिविटी के मामले में भी अच्छा रहेगा ये फोन। चलिए कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है और थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है। तो इस फोन में भी आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलेगा, बाकी रियर कैमरे से 2K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि यूनोच कैमरा है और फ्रंट कैमरे से भी 2K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इन्फिनिक्स के फोन में और कुछ देखने को मिले न मिले लेकिन 2K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दे ही देता है। रियर एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे में बोके वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया गया है तो कैमरा परफॉर्मेंस हमें डिसेंट टाइप की देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि 108 मेगापिक्सल का है तो बस नाम के लिए ही होगा क्योंकि ज्यादातर फोन में ऐसे ही होता है, लेकिन रियल लाइफ में भी इस फोन का कैमरा यूजफुल है। लास्टली डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं तो इस फोन में आपको मिलता है 6.7 inches की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो हाई रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया है लेकिन 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है गेमिंग के लिए। 700 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जो कि अच्छा ब्राइटनेस लेवल है। वाइड 1L1 सर्टिफाइड है, HDR कंटेंट प्ले नहीं कर सकते और डिस्प्ले के ऊपर COG3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है तो डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छा है, पंची कलर देखने को मिल जाते हैं, मूवीज वगैरह देखने में अच्छा लगेगा आपको, बस इस नॉच की वजह से थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन एक ही स्टोरेज टाइप के साथ आता है, 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ, जिसके लिए आपको 15,000 रुपए देने होंगे फिलहाल। इस फोन को अगर हम सम अप करें तो अगर आपको 15,000 के नीचे एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो, 12 5G बैंड्स का सपोर्ट हो या फिर डिजाइन वगैरह बहुत ही अच्छा हो, बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस से कोई इशू ना हो और कैमरा परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक हो या फिर 8GB रैम और 128GB स्टोरेज हो तो डेफिनेटली इस फोन को आप बाय कर सकते हैं 15,000 के नीचे। बाकी दोस्तों ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं लास्ट स्मार्टफोन के बारे में और गाइस नंबर 1 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है इस फोन के बारे में शायद आपने गैस कर ही लिया होगा, ये भी एक कंप्लीट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है तो इस फोन का नाम है पोको X4 Pro 5G। इस फोन को हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी कवर किया था, 15,000 से 20,000 के बीच में बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है क्योंकि इस फोन में आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स दिया गया है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी, स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन का जो बैक पैनल है ग्लास से बना हुआ है, साथ में COG5 से प्रोटेक्टेड भी है, बाकी जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का ही है। 8.1 mm की थिकनेस है, मतलब स्लिम फोन है ये एंड 205 ग्राम वेट है तो वेट थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन IP53 की रेटिंग दी गई है तो हल्का फुल्का पानी गिर जाता है तो कोई इशू नहीं होगा। ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा मिल जाएगा, सॉलिड फील होगा जब आप फोल्ड करोगे। बात करें कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में तो ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है जो कि डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आता है और स्पीकर की क्वालिटी डिसेंट टाइप का है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, बाकी पोको का फोन है तो आयर ब्लास्टर तो मिल ही जाएगा आपको। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन MIUI 13 और जैसे आप बाय करोगे एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल जाएगा आपको। इस फोन को 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है और 3 इयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट, और क्योंकि MIUI पे रन करता है तो थोड़े बहुत बग्स भी देखने को मिलेगा ही आपको। खैर इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 67 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है, 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा ये फोन, बैटरी बैकअप बहुत ही जबरदस्त है। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में हमें मिलता है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है, वाइड 1L1 का सपोर्ट मिल जाएगा
जाएगा आपको, HDR कंटेंट प्ले नहीं कर पाएंगे और 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जिससे आपको ब्राइटनेस भी इशू नहीं होगा इवन आउटडोर यूजर्स में भी। और डिस्प्ले के ऊपर COG 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको A1 वाला मिलता है। डिस्प्ले ही इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट है, मूवीज वगैरह देखने में मजा आएगा आपको क्योंकि काफी ब्राइट डिस्प्ले है और पंची कलर्स देखने को मिलता है। बात करते हैं कैमरा के बारे में, तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है जो कि ओमनीविजन का सेंसर है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से आप 1080p में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरे से भी फुल HD में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों इस फोन का जो कैमरा परफॉर्मेंस है बिल्कुल एवरेज टाइप का है। मेन कैमरे की परफॉर्मेंस तो फिर भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है डे लाइट कंडीशन में, लेकिन लो लाइट फोटोग्राफी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कैमरा के लिए फोन बिल्कुल ही काम चलाव रहेगा, काफी सारे इंप्रूवमेंट की जरूरत है कैमरे के अंदर। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 695 वाला 5G चिपसेट जो कि अगेन काफी अच्छा चिपसेट है, 6nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है। 390,000 के आसपास अंतुदो स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 का स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है और वर्चुअली 3GB तक रैम बढ़ा पाएंगे, बाकी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में ये फोन डिसेंट टाइप का रहेगा, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, आराम से आप मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हैं इस फोन से, अप टू 40fps तक गेम प्ले करवा सकता है फोन आपको। तो बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, तो इस फोन में हमें मिलता है 7 5G बैंड्स का सपोर्ट, डुअल 4G वोल्टी के साथ आता है, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है एंड ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है, तो कनेक्टिविटी से भी इशू नहीं होगा आपको। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल 664 के लिए 16,000 रुपए है, वही 6128 के लिए 17,000 रुपए और 8128 के लिए 19,000 रुपए है, और तीनों ही वेरिएंट पर 1500 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आपके पास SBI बैंक के डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड है तो। सो इफेक्टिवली ये फोन आपको 15,000 के नीचे मिल जाएगा इजिली, और 15,000 के प्राइस पॉइंट पर अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो इस फोन के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। ये रहे इस फोन के भी प्रोज एंड कॉन्स। तो यही थे इस लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन जिसे आप 16,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। हमेशा प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कुछ भी डाउट और कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट कीजिए या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। बाकी वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।